गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेश, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज अपना डे 11th कश्मीर ट्रिप का, तो आज हम लोग निकल रहे हैं मुंबई के लिए कतरा से। 11 दिन बहुत मजा आया, कैसे निकल गए पता नहीं चला। आप लोग के साथ बात करते हुए, आप लोग के लिए वीडियो बनाते हुए, मेरे दोस्तों के साथ मजा करते हुए और नज़ारे देखते हुए। तो अभी टाइम हो रहा है 9:45, पहले जाएंगे नीचे करेंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद शुरू करेंगे आज की अपनी जर्नी। तो आप लोग वीडियो शुरू करें। ए हेलो, ब्रेकफास्ट हम लोग का सबसे पहले पिकल, उसके बाद है कोल्सलो सैंडविचेस, साथ में ब्रेड बटर, यहाँ है दही, साथ में है वेजिटेबल उपमा, आलू पराठा, बच्चों के लिए कॉर्नफ्लेक्स और चाय कॉफ़ी। हम लोग निकल गए कतरा से अभी एयरपोर्ट जाने के लिए। हम लोग ने सेपरेट टैक्सी मंगाई सबके लिए, 6 टैक्सी मंगाई हुई है। ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको फर्स्ट दिन बोला था, जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर बड़ी गाड़ी अलाउड नहीं करते, तो हम लोग बस में नहीं जा सकते। तो हम लोग अभी जा रहे हैं सब लोग के लिए सेपरेट टैक्सी मंगाई, सेट टैक्सी में हम लोग की जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं, सिक्योरिटी चेक और सब डन। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 3 या 4 लेयर सिक्योरिटी चेक का, तो क्लियर करने में बहुत टाइम लग जाता है। अभी टाइम हो रहा है 3:20, लगी है जोर की भूख। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ खाते हैं, यहीं पे एयरपोर्ट पे ही खाएंगे। होटल में क्या बोल रहा हूँ, अभी एयरपोर्ट पे ही खाएंगे। तो दिखाता हूँ आपको हम लोग क्या खा रहे हैं आज। तो आज का लंच वेज बिरयानी, बॉम्बे ग्रिल सैंडविच, आधा पोर्शन ख़त्म हो चुका है, और सादा डोसा, वो भी आधा ख़त्म हो चुका है। चलो अभी लगी है भूख, पहले खत्म करते हैं खाना, फिर मिलता हूँ आपसे। पूरा प्लेट खत्म। पब्लिक खाए ही जा रही है, गाड़ी रुकी नहीं रही किसी की। एक्चुअली लंच टाइम से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, काउंटर्स खाली कर दिए सब लोग ने, फिर भी कुछ ना कुछ ऑर्डर चालू ही, वेफल खाना है, ये खाना है, वो खाना है। अभी बस बज रहे 4, अभी हम लोग की बोर्डिंग थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। तो जाते सीधा अभी गेट के ऊपर, पहले इनका भी गाड़ी बंद करवा दो, नहीं तो ये यहीं रुक जाएंगे खाते खाते। तो फाइनली वी हैव बोर्डेड द फ्लाइट। अभी टाइम हो रहा है 4:30 और हम लोग की फ़्लाइट अभी पहले यहाँ से जाएगी श्रीनगर, और श्रीनगर में हमको 40 मिनट से ही इसी प्लेन में बैठना है, ले ओवर है, और उसके बाद ये जाएगी डायरेक्ट श्रीनगर से मुंबई। शेड्यूल टाइम के हिसाब से फ़्लाइट पहुँचनी चाहिए 8:40 को, मगर अभी एज इफ नाउ 15 मिनट का डिले बता रहा है, तो शायद फ़्लाइट पहुँचेगी 9:05 को। देखते हैं जल्दी पहुँचती है, टाइम पे पहुँचती है, लेट पहुँचती है, अपडेट आपको ज़रूर दूंगा। अभी जर्नी शुरू करते हैं। टाइम हो रहा है 6:20, तो हम लोग अभी टेक ऑफ कर रहे हैं श्रीनगर से, और 2 hours 20 minutes मुंबई बता रहा है, तो देखते हैं आज कितनी देर में पहुँचते हैं। ने देखा निर्दयी बाप ने अपने बेटे को विंडो सीट नहीं दी। हाय फ्रेंड्स, सॉरी एक्चुअली परसों मैंने वीडियो एंड नहीं किया था, क्योंकि हम लोग रात को बहुत लेट आए थे, प्लस 11 दिन के जो टूर थी बहुत थकान थी, आए और सीधा सो गए थे,
और कल कैमरा हम लोग ने मैंने ज़रा भी हाथ में नहीं पकड़ा क्योंकि एक्चुअली मैं थकान नहीं उतरी थी। तो इतने दिन जो आप लोग ने माउथ वाटरिंग फूड देखा, होटल अरेंजमेंट देखी, ट्रैवल अरेंजमेंट देखी, तो एक वोट ऑफ थैंक्स बनना बनता है। हम लोग आए अभी विनायक हॉलीडेज़ की ऑफिस के अंदर, तो मेरे साथ में विनायक हॉलीडेज के ओनर नीरव भाई। नीरव भाई थैंक यू वेरी मच आपने जो हम लोग के लिए टूर ऑर्गेनाइज की। एक्चुअली में बहुत मजा आया, मैंने बहुत सारी टूर्स देखी है, दूसरे ट्रैवल्स के साथ में ट्रैवल भी किया हुआ है। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, कि जो इन्होंने प्रॉमिस किया था हम लोग को जो भी चीज है वो सब चीज वहां पे अरेंज करके रखी थी। बहुत छोटी सी चीज आपको बोल रहा हूँ, जैसे आमरस है, हमको उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग आमरस आपको प्रोवाइड करेंगे एक दिन के लिए, तो वो भी वहाँ पे था। बाकी जनरली काफ़ी टूर्स में होता है कि यहाँ से आपको प्रॉमिस करेंगे मगर वहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती है और फिर वहाँ पे जाके कस्टमर डिसअपॉइंट हो जाता है, तो वो हम लोग को कुछ भी देखने नहीं मिला। प्रॉपर एकदम स्मूथ गया हम लोग का पूरा टूर, तो उसके लिए हमको बहुत मजा आया घूमने के लिए। नीरव भाई कभी से आपकी कंपनी चालू है ये? 1999 से, 1999 से, yes. और अभी कोई ऐसा अपकमिंग टूर आपका आने वाला है वो आप मेरे फ्रेंड्स को बता सकेंगे जरा? अपकमिंग टूर जो है अगस्त से लेकर दिसंबर तक इंडिया में सभी जगह पे है, इंटरनेशनल में दुबई है, यूरोप है और सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड है, और प्लस दिवाली में वापस हम कश्मीर धमाका लेकर आ रहे हैं। हाँ जी, और बाकी कश्मीर के अलावा केरला, थ्री सिस्टर्स, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, सिक्किम, नेपाल, ये सारे ग्रुप टूर अगस्त से चालू है। प्लस अपनी एक रिलीजियस टूर उत्तराखंड चारधाम भी, जो इस बार सुपर हिट डेस्टिनेशन है, और वो भी जो है सितंबर से उत्तराखंड चारधाम की टूरें भी स्टार्ट है। हाँ जी, और अभी आपका जो भी टूर आपने मुझे बोला इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक हो, आपका फूड सब इसमें इंक्लूडेड रहता है? पूरा फूड टोटल इंक्लूडिंग रहता है और हम सिर्फ और सिर्फ प्योर वेज एंड जैन खाना जो है हमारे महाराज द्वारा बनावल देते हैं। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, जब भी आप कहीं घूमने जाओ, डोमेस्टिक तो फिर भी ठीक है, अगर आप इंडिया में घूम रहे हो तो आपको लोकल फूड मिल जाता है, इंडियन फूड कोई ना कोई थोड़ा 19-20 होता है, मगर जब आप इंटरनेशनल जाते हो तो आपका फूड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आपका टेस्ट बड्स को जो आदत पड़ी हुई है वो फूड वहाँ पे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जैसे आपके बड़ी बड़ी दूसरी कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूंगा, वैसे ही पूरा फूड ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं प्योर वेज, और आपने देख ही लिया ऑलरेडी फूड कैसा रहता है इनका, बहुत जोरदार रहता है। नीरव भाई थैंक यू वेरी मच हम लोग के लिए टूर ऑर्गेनाइज करने के लिए, बहुत मजा आया। और कोई मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास बुकिंग कराने कुछ डिस्काउंट वगैरह कुछ उनको हो जाएगा, स्पेशल ऑफर वगैरह कुछ? डेफिनेटली डेफिनेटली, एक्सप्लोरिंग गुजराती का नाम लेकर आए और जो भी हमारे से बेस्ट होगा उनके लिए स्पेशल कर देंगे, और हम बाकी सब गेस्ट के लिए भी बता दें कि दिवाली में स्पेशल धमाका ऑफर है, तुरंत बुकिंग कीजिए, जल्दी बुकिंग कीजिए और चीपेस्ट एयर टिकट का बेनिफिट लीजिए। दोस्तों कश्मीर ट्रिप यहाँ पे होती है हम लोग की एंड, बहुत मजा आया, 11 दिन कैसे निकल गए हम लोग को जरा भी पता नहीं चला। अगर आपने ये सीरीज एंजॉय की है, यहाँ तक देखा है, एक चैनल के ऊपर लाइक कर लीजिएगा, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कीजिएगा, तो जो भी नया वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। प्लस हम लोग के बहुत सारे फूड टूर और ट्रैवल व्लॉग्स आने वाले हैं, लाइंड अप हैं, तो बने रहिएगा चैनल के ऊपर। मिलते हैं आपको एक जल्दी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।